आज बना रही हूँ मैं ये ग्रीन चिली फ्राई मसाला भर के इसमें। ये देखो ये हरी मिर्ची 100 ग्राम है। ये ऐसी वाली तीखी नहीं रहती है ज्यादा, आपको अगर तीखी लगेगी ना तो उसमें से इसके बीज निकाल देना, लेकिन बहुत फीकी है एकदम। ये बड़ी वाली रहती है ना तीखी नहीं है। इसको मैंने अच्छे से धोई, इसको टिश्यू पेपर से एकदम सुखा ली। अब इसके लिए मसाला बनाएंगे इसके अंदर भरने के लिए। ये ली हूँ इसके अंदर 50 ग्राम तक ये जीरा है, ये 2 टीस्पून अमचूर पाउडर है और ये नमक है, और इसमें बाद में के नींबू लगेगा। ये देखो जो अमचूर था और जीरा था और नमक था ना, सबको मैंने ऐसे पीस ली मोटा मोटा दरदर, एकदम बारीक नहीं करना है इसको, बारीक पाउडर नहीं बनाना। इसको निकालते हैं प्लेट में और ये सबको अभी इसके अंदर भरना है। ये ऐसा लेके ऐसा इसको ऐसा भरना है, खोल के सब ऐसे डालते जाओ इसके अंदर ऐसे सब पूरी चिल्ली को। पर इसको अच्छे से पोंछ लेना पहला, नहीं तो पूरा तेल में जाएगी तो पानी पानी उड़ेगा। इसको अच्छा ड्राई कर लेना कपड़े से, कॉटन का कपड़ा है या टिश्यू है, मैं तो टिश्यू से कर लेती हूँ जल्दी हो जाता है। ये सब इसमें भरने का है। ये देखो सब ये मिर्ची को पूरा मसाला ऐसे अंदर तक भर ली हूँ पूरा सब मिर्ची को ऐसा, और जो बच गया है ना इसको बाद में बताएंगे क्या करना है इसका। ये सब अब इसको फ्राई करना, इसको ऑन करती हूँ। इसको ऐसे बड़ा बर्तन फैला हुआ लेना इसको हम मिर्ची को फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए ऑलिव ऑयल में इसमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए ये ऑयल ले रही हूँ। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है क्योंकि अचार जैसी बनती है ना, इसको ऐसा रखना है। तेल गर्म होएगा ना फिर मिर्ची डाल दूंगी, थोड़ा तेल जरा गर्म होना चाहिए। अच्छा गर्म हो जाएगा फिर मिर्ची डालूंगी। ये देखो अब तेल गर्म हो गया अच्छे से, अब अच्छे धीरे धीरे डाल देना इनको सब मिर्चियों को। जितनी मिर्ची सब अच्छे से छोड़ दो, आस्ते आस्ते छोड़ना संभाल के। ये इतनी टेस्टी है ना खाने में, दाल राइस के साथ में है, चपाती के साथ में है, संभाल के करना इसको सब डाल दो ऐसे। इसको धीरे धीरे से है अभी छोड़ दो, ऐसा कुछ चलाने का नहीं, 1-2 मिनट ऐसे रहने दो, उसके बाद में इसको बल्टी करने का। ये देखो इसको ऐसे आस्ते आस्ते है ना पलटते रहने का, उलट पलट करने का इसको अच्छे से। थोड़ी और होएगी, अभी कच्ची दिख रही है ना, अभी और अच्छे से हो जाएगी फ्राई। तेल इतना ही रहने देना इसमें, एक अचार जैसा होता है जिसमें तेल जितना रहेगा उतना कम से कम 20-15 दिन आराम से चलेगी बाहर रख के, अभी टेंशन नहीं है इसका। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अभी जो उसको ये रखा हुआ है ना सब बाद में इसको डालेंगे इसके अंदर, बच गया ना बेटर इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर डालेंगे तो मसाला हो जाएगा इसका सब, मसाला मिर्ची हो गई। ये देखो ये जो बचा हुआ है ना इसमें डाल देंगे, ये भी अच्छी तरह इसमें पक जाएगा। तो थोड़ा चला लेंगे, एकदम अच्छी क्रिस्पी हो जाती है, एकदम अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी है ये। ये आप लोग बना के देखना तो कैसे लगी मेरे को कमेंट में बताना कैसा है। ये देखो ये फ्राई हो गए, अभी गैस को करेंगे बंद, इसको करेंगे डिश आउट। ये देखो ऐसी हो गई, पूरा मसाला इसमें आ गया। और इसमें अब डालेंगे एक नींबू, एक डालेंगे लेमन, लेमन जूस। आप इसको आराम से 10-15-20 दिन तो ऐसे ही खा सकते हो। देखो लेमन को वापस से कर देना, कुछ भी वेस्ट नहीं करो, कुछ भी चीज जितना इसका रस निकलता निकाल दो जूस। अच्छे से मिक्स कर दो,
ये देखो पूरा मसाला इसका ही ऐसा है। तेल का थोड़ा कम करना है आप कर सकते, लेकिन इसमें तेल ऐसा रहेगा ना अच्छा रहता है। लोग इसको आराम से रख दो, 8-10 दिन, 10-12 बोले 10-15-20 दिन भी आराम से चलेंगे। कैसे लगी आपको बताना, आप लोग बनाना इसको जरूर और बताना कैसे लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।